डालूंगा, मैं तुझे मार 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 डालूंगा। ये मुझे मारना चाहता है, बचाओ बचाओ, ये मुझे मारना चाहता है, बचाओ। ये मुझे मारने आए। मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मॉम, ये तो नींद में बड़बड़ा रहा है, लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। अच्छा, उसको थोड़ा हिलाओ ना, हिलाओ उसको थोड़ा। हाँ हिलाओ हिलाओ। मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ? थोड़ा जोर से हिलाओ ना। खुंखार भाई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सवाल तो हमें तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे आ गए। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? नहीं नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मुझे नींद में चलने की बीमारी है, और किसी का खून करते मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तो फिर ऐसे बड़बड़ा क्यों रहे थे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा? वो तो मेरे घर पे एक चूहा है जो मुझे रात भर परेशान करता है, बस उसी को डराने के लिए मैं कह रहा था मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, बस बाकी कुछ नहीं। खुंखार भाई, हमारे घर में कोई चूहा नहीं, आप आराम से सो जाइए। सो जाओ। हाँ, शांति से। सासू माँ, खुंखार भाई तो सपने में चूहे को डरा रहे थे, लेकिन आप तो हकीकत में ही डर गई। मुझे नहीं पता था सासू माँ कि आप इतनी डरपोक हो। हाँ, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा है ना? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता, सब तुम्हारी वजह से होता। तुमने ही जिद की थी ना इसे इस घर में रखने के लिए। लो बोलो, अब जो हुआ नहीं उसके लिए भी अब मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो सासू माँ? आप दोनों देखो, ये रात बहुत हो गई है, तो अगर आप दोनों को बहस करना है तो आराम से बहस करिए, लेकिन मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है इससे बहस करने का। हाँ तो मुझे कौन सा शौक है सासू माँ? सो जाइए, गुड नाइट। मॉम सो जाइए, नो प्रॉब्लम, गुड नाइट। मही हाय हाय सासू माँ, आप जब मुझे ऐसे बुलाती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मही के आगे ना बेटा लगा दो तो सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। मही बेटा, मही बेटा। इतनी चबड़ चबड़ करने पर भी मुंह नहीं दुखता है? नहीं नहीं सासू माँ, मेरी कैपेसिटी तो इससे भी ज्यादा बोलने की है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता है ना, इसीलिए थोड़ा कम बोलती हूँ। एहसान करती है, अब एक और एहसान कर दे, मेरे लिए जरा नाश्ता लेकर आ। हाँ कोई पर सासू माँ, ये देखिए ना कितना सारा नाश्ता रखा है आपके सामने। अच्छा कहाँ है? कहाँ क्या, ये रहा। सासू माँ, नाश्ता तो मैंने बहुत सारा बनाया था, कहाँ गया? नाश्ता तो तूने बनाया नहीं होगा, हाँ? और अब तुम मुझे बना रही है। नहीं नहीं सासू माँ, सच्ची प्रॉमिस, मैंने तो बहुत सारा नाश्ता बनाया था, पता नहीं ऐसे कैसे कहीं चला गया, और अभी तक तो सिर्फ खुंखार भाई ने नाश्ता किया है। अरे वाह मेरी बहन वाह, क्या नाश्ता बनाया था, मजा आ गया। मतलब इतना सारा नाश्ता आप अकेले ही खा गए? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि पेट भर के नाश्ता कीजिए, तो मैंने खा लिया। वैसे पेट तो पूरा भरा नहीं है, फिर भी ठीक है, कम ज्यादा चला लेते हैं। पांच आदमी का नाश्ता अकेले ही खा गए? सासू माँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मैं फटाफट नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। तो रहने दे, क्या कहा था तूने कि खुंखार के यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं होगी, और हो भी कहाँ रही है। रात को तो मुझे सिर्फ हार्ट अटैक आते आते रह गया, हा?
और वो सागर की तो कुश्ती के दांव पे सीखते सीखते कमर टूटने से ही रह गई। और अब मैं खाली पेट काम पे जा रही हूँ, उसमें तकलीफ किस बात की। चलता है, रहने दे। हाँ जा सासू माँ, चलता है ना कभी कभी ऐसे। बस मई, जितना चलाना था ना उतना चला लिया, अब खूंखार को चलता करने का टाइम आ गया है। अब मैं लौटू तब तक अगर तूने खूंखार को नहीं निकाला ना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। अरे मही बहन, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। खूंखार भाई, आपका फैसला ऊपर वाला नहीं, हमारी सासू माँ करेंगी आज शाम को। मही, तुम्हें क्या लगता है, खूंखार भाई की नौकरी रहेगी या जाएगी? क्या पता, अब ये तो सागर जी पर डिपेंड करता है ना कि वो जिग्नेश भाई को ढूंढ पाते हैं या नहीं। मही, मैंने जिग्नेश को ढूंढ लिया और उससे बैंक का बकाया पैसा भी जमा करवा दिया है? अरे वाह, खूंखार भाई आपकी नौकरी बच गई। नौकरी तो इनकी फिर भी नहीं बचेगी। क्या सासू माँ, खूंखार भाई ने आपको परेशान किया, कहीं उसी का बदला लेने के लिए तो आपने उन्हें नौकरी से नहीं निकलवा दिया ना? तेरी छोटी सोच से यही उम्मीद की जा सकती कि तू ऐसा ही सोचेगी, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ कि किसी के साथ बदला लेना हो तो उसको नौकरी से निकलवा दूँ। मॉम तो फिर? ये जिस रिकवरी एजेंसी के लिए काम करते हैं और ये लोग जिस तरह की गुंडागर्दी करके बैंक लोन की वसूली करते हैं वो सब इलीगल है, इसलिए मैंने उनकी कंप्लेंट की है और उनकी एजेंसी का लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है। वाह सासुमा, हमने इतना कुछ किया खूंखार भाई की नौकरी बचाने के लिए ताकि उनका परिवार सड़क पर ना आ जाए, लेकिन आपने आपने उस सब पर पानी फेर दिया। अब मैंने वही किया जो एक जिम्मेदार नेता और नागरिक को करना चाहिए था। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा? जाने दो मही बहन, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेगा। ऊपर वाले का तो पता नहीं, पर मेरे पास एक रास्ता है। क्या? क्या? पार्टी की ऑफिस में एक स्टाफ की जरूरत है, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बस, ये क्या कर रहे हो, चलो उठो और निकलो यहाँ से। कहा था ना कि आज शाम के बाद टिकने नहीं दूंगी। अरे वाह मॉम, तुम लोगों ने इस इंसिडेंट से कुछ सीखा? बैंक लोन के गारंटर बनना एक जिम्मेदारी का काम है और उसे बहुत सोच समझकर और उन्हीं लोगों के लिए करना चाहिए जिन्हें हम बहुत करीब से जानते हो और जिन पर हमें पूरा भरोसा हो, वरना हम खुद प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। वाह सासू माँ, आज तो आपने जो कुछ भी किया ना उसके बाद तो मानना ही पड़ेगा कि आप ग्रेट हो। मानती हो ना, तो चलो सैल्यूट करो।